एसएमएस अस्पताल के उच्च प्रबंध से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एसीबी में सूचना देकर अंदेशा जाहिर किया गया कि अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बिना कमेटी की बैठक के जारी किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर एसीबी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉक्टर रवि ने आज पत्रकारों को बताया कि ऐसी संभावना लग रही है कि कमेटी की बैठक हुए बगैर और कमेटी द्वारा अधिकृत किए बगैर कोई कर्मचारी एनओसी जारी कर रहा है। इस सूत्र सूचना को हमने एसीबी ने डेवलप किया, उसको विकसित किया और हमने उस कर्मचारी को आइडेंटिफाई किया जिसमें गिरफ्तार होने वाले जो 2 व्यक्ति थे उसमें एक एसएमएस हॉस्पिटल का मंत्रालय कर्मचारी गौरव सिंह और ईएचसीसी हॉस्पिटल के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, हर हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है हॉस्पिटल की तरफ से जो एसएमएस से समन्वय स्थापित करके इस प्रक्रिया को पूरा करता है। तो ये दोनों को हमने कल रंगे हाथों पैसे लेके एनओसी देते समय हमने अरेस्ट किया है। हमने आज फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर मिस्टर विनोद को भी अरेस्ट किया है और इन तीनों आरोपियों के जो कार्यालय हैं और जो इनके घर हैं उनको अच्छे से सर्च करके और जितना भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट संबंधी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज चाहे वो पेपर के रूप में हो या वो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हो वो हमने जब्त किया है।